Welcome to our YouTube channel Samit classes. So, today our topic is arson. So, let's start our video with the definition of arson. If a person willfully or maliciously burns a property with the criminal or fraudulent intention, then it is called as a case of arson. Arson, sometimes also called an incendiary fire. हिंदी में डेफिनेशन समझ लेते हैं अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ किसी भी प्रॉपर्टी पे आग लगाता है किसी भी प्रॉपर्टी को बर्न करता है तो उसे हम आर्सन के नाम से जानते हैं आर्सन को हम कभी कभी इंसेंडेडी फायर के भी नाम से जानते हैं आर्सन के, के केस में एसेलरेंट यूज हो सकता है तो एसेलरेंट जो टर्म है उसे हम आगे भी यूज करने वाले हैं तो इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं एक्सेरेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि फायर को स्टार्ट करने में मदद करता है फायर को एसेलरेट करता है फॉर एग्जांपल जो मीटी का चूल्हा होता है वो लकड़ियों से जलता है तो उस लकड़ी को हम डायरेक्ट माचिस से नहीं जला सकते हैं तो उस लकड़ी को जलाने के लिए हम पहले कैरासिन ऑयल को बर्न करते हैं तब उस पर लकड़ी डालते हैं तब चूल्हा जलता है तो यहाँ पे जो कैरासिन ऑयल यूज़ हो रहा है वो एज एन एसेलरेंट यूज़ हो रहा है एक्सेलरेंट का और एग्जांपल हो सकता है गैसोलीन ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं टाइप्स ऑफ फायरस दो तरह के फायर होते हैं एक बर्निंग या फिर जिसे हम फ्लेमिंग फायर के भी नाम से जानते हैं और दूसरा स्मोल्ड्रिंग फायर जो पहला वाला है उसमें सफिशेंट ऑक्सीजन होता है फ्यूल होता है फ्लेम्स विजिबल होता है स्मोक विजिबल होता है स्मोल्ड्रिंग फायर के, के केस में ऑक्सीजन का कमी होता है और अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो जो फ्लेम है वो एक्सप्लोड कर जाता है ठीक है तो ये दो तरह के फायर थे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं केमिस्ट्री ऑफ फायर जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसमें 21 प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा होती है फायर को एटलीस्ट सोलह प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए ताकि वो अगर हो सके ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसे हम फायर ट्राइंगल के भी नाम से जानते हैं फायर ट्रायंगल इसलिए क्योंकि फायर को अकर होने में तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है फर्स्ट वन इज़ फ्यूल, दूसरा हीट एंड तीसरा ऑक्सीजन यह है कंडीशन फॉर अ फायर ये तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर एबसेंट होंगी तो फायर अकर नहीं होती है ये तीन चीज़ें जब प्रॉपर प्रोपोर्शन पे सेम टाइम पे प्रेजेंट होंगी तभी फायर अगर होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो सकती है वट इज़ दंडीशन फॉर अ फायर तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इन तीन चीज़ों के बारे आपको एलोबरेट करके लिखना होगा ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं पॉजिबल कॉजिस ऑफ फायर पॉसिबल कॉजिस ऑफ फायर फर्स्ट वन इज़ एक्सीडेंटल अगर स्टोव खुला हुआ छूट गया तो घर का कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर जब जाके टच होगा तो वो पूरे ऑब्जेक्ट पे फायर कैच कर लेगा और फायर कैच करने के कारण पूरे घर पे भी आग लगने का चांसेस होता है दूसरा अगर गैस सिलेंडर का रेगुलेटर ऑन रह गया तो उससे गैस लीक होगी गैस पूरे घर पे फैल जाएगी और उस वक्त कोई बंदा माचिस या लाइटर या फिर सिगरेट जलाता है या फिर अगर स्विच बोर्ड का स्विच भी ऑन करता है तो उससे जो स्पार्कल जनरेट होता है उसके कारण पूरे घर पे आग लग सकती है गैस फट सकती है ठीक है तीसरा एक्सीडेंटल मेल फंक्शनिंग इन अप्लायसेज अगर अप्लायंसेस में किसी भी तरह से मेल फंक्शनिंग हो रहा है जैसे कि जो गैस पे रेगुलेटर होता है उस पर कोई मेल फंक्शनिंग आ गया पाइप पे कोई मेल फंक्शनिंग आ गया तो किसी भी तरह से मेल फंक्शनिंग के कारण भी हो सकता है एक्सीडेंटल केस दूसरा है नेचुरल जिसमें क्या आता है लाइटनिंग लाइटनिंग से फॉरेस्ट फायर काउस होता है दूसरा अगर वो घर पे गिर जाए तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आसपास के वो तो ख़राब होता ही हैं अड़ोस पड़ोस के अगर किसी घर पे गिर जाता है वो पूरा घर तहस नहस हो जाता है तीसरा डेलीब्रेटली अगर कोई जान बोझ के एसेलरेंट यूज़ कर रहा है या फिर कोई अप्लाइंसिस को मैनुपलेट करके रख रहा है तो वो डेलिब्रेट में आता है जिसे हम आरसन के भी नाम से जानते हैं ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फायर सीन इन्वेस्टिगेशन फायर सीन इन्वेस्टिगेशन में हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं पॉइंट ऑफ ऑरिजिन का आइडेंटिफिकेशन किस लिए करते हैं वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट ऑफ ऑरिजिन कहाँ है उसके लिए हम डेप्थ ऑफ चार चेक करते हैं तो यूजुअली जहाँ पे आर्सन का केस होता है वहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा तो चैरिंग जहाँ पे डीपेस्ट होगा उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन मान सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो बर्न पैटर्न और जो स्मोक रेसिड्यू होता है वो हमें एरिया ऑफ ऑरिजिन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है जैसे कि जो चार्ट वी पैटर्न होता है मान लीजिए ये चार्ट वी पैटर्न है तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि जो फायर है वो स्प्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की ओर हुआ है इस तरह से समथिंग फ्रॉम द बेस ऑफ वी इसके बेस से स्प्रेड हो रहा है फायर और वी पैटर्न फॉर्म कर रहा है तो इस बेस को हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन कह सकते हैं तो इससे भी हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि पॉइंट ऑफ ऑरिजिन किस जगह पे है वी पैटर्न के शेप को देखने से देखिए फॉर एग्जांपल, इस बिल्डिंग में यहाँ आप देख सकते हैं ये वी पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो ये वी पैटर्न से हम ये बता सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है वो इस जगह पे होगा हो सकता है और भी बहुत सारा सरकमस्टांसेस हम देखते हैं तब बताते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑरिजिन कहाँ पे है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फायर क्लूज फायर से हमें क्या क्या क्लूज़ मिलते हैं वो देख लेते हैं पहला है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन जिसके बारे हम अभी ही बात किए हैं दूसरा है चार पैटर्न तो चार पैटर्न में क्या होता है कि ये बहुत ही हॉट फायर के वजह से बर्न होता है ये अपने पाथ पे बहुत ही क्विकली मूव होता है जिसके कारण एक शार्प लाइन ड्रॉ हो जाता है कि क्या चीज़ बर्ंड है और क्या चीज़ अनबर्न है तो बेसिकली ये एक पैटर्न फॉर्म कर देता है जिसे हम चार पैटर्न के नाम से जानते हैं तो अगर चार पैटर्न डोर पे प्रेजेंट है तो इन्वेस्टिगेटर ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस साइड डोर के किस साइड पर आग लगी होगी दूसरा अगर चार पैटर्न फ्लोर पे प्रेजेंट है तो इन्वेस्टिगेटर ये डिटरमाइन कर सकता है कि उसमें एसेलरेंट का यूज़ हुआ है दूसरा उसके पाथ को फॉलो करके पॉइंट ऑफ ऑरिजिन का भी डिटरमाइन कर सकता है। और अगर पॉइंट ऑफ ऑरिजिन दो जगह से है और वहाँ के डेबरेज से ये पता चल रहा है कि वहाँ पर एसेलरेंट का यूज़ हुआ होगा तो ये श्योर शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो केस आरसन का होगा क्योंकि नॉर्मल फायर के, के केस में कोई दो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन नहीं होता है अगर कोई एक्सीडेंटल फायर है तो उसमें दो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन नहीं देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट क्या है वी पैटर्न वी पैटर्न के बारे में भी हमने बात किया तो वी पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा है और फॉर्म किसी वॉल के अगेंस्ट फॉर्म हो रहा है तो वहाँ से भी हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन का निकाल सकते हैं पहला अगर वी पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट शेप में प्रेजेंट है तो उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं वो देख लेते हैं अगर वी पैटर्न बहुत ही नैरो शेप में फॉर्म हो रहा है अगर बहुत ही नैरो शेप में फॉर्म हो रहा है सॉरी इस तरह का नहीं और भी नैरो अगर शेप में फॉर्म हो रहा है तो हम ये इंडिकेट करता है जो नॉर्मल केस है उससे वो हॉटर था जो नॉर्मल फायर का केस होता है उससे वो हॉटर था और इसमें एसेलरेंट का यूज़ हुआ होगा ये शेप इंडिकेट करता है और अगर वाइड शेप है अगर वी शेप वाइड है तो इससे ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम कि फायर जो था वो स्लो बर्निंग प्रोसेस से हुआ है और अगर यू शेप है यू शेप हो रहा है फॉर्म तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे पुल ऑफ ऑरिजिन होगा जैसे कि यहाँ पे अगर कोई गैसोलीन को फिल कर दिया इस जगह पे तो यहाँ पे एक पुल बन जाएगा और ये वी शेप नहीं होके यू शेप फॉर्म करेगा तो अगर पुल ऑफ ओरिजिन है और एस का यूज हुआ है तो भी हम कह सकते हैं कि ये केस आर्सन का है तो आप समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑरिजिन डिटरमाइन करना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हीट शैडोज हीट शेडोज क्या होता है वो देख लेते हैं अगर कोई हेवी फर्नीचर किसी भी वॉल के अगेंस्ट प्रेजेंट हो और आग लगने के कारण उस वॉल पे एक शेडो का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम हीट शेडो के नाम से जानते हैं ये हीट शेडो से हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है ग्लास ग्लास फ्रैगमेंट विंडोज लाइट बल्ब से हम क्या क्या डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वो देख लेते हैं लाइट बल्ब से हम डायरेक्शन ऑफ फायर का पता कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप एक इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये अगर इस राइट right साइड में की ओर मेल्ट हुई है तो हम ये पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फायर इधर रहा होगा ठीक है नेक्स्ट है शैटर्ड या फिर क्रैक्ड ग्लास विंडो से हम फायर के पैटर्न का पता कर सकते हैं कि पहले फायर इस जगह पे होगी फिर नेक्स्ट इस जगह पे फिर नेक्स्ट इस जगह पे, मतलब एक रफ़ पैटर्न हम डिटर्मिनाइन कर सकते हैं नेक्स्ट है अगर डार्क शूट लेयर प्रेजेंट है ग्लास पे तो वो ये इंडिकेट करता है कि फायर जो रही होगी वो स्लो और स्मोल्ड्रिंग फायर होगी स्मोल्ड्रिंग फायर मैंने पहले भी आपको बताया है स्मोल्ड्रिंग फायर वो होता है जिसपे ऑक्सीजन की कमी होती है और धुआं ज़्यादा उठता है जिसके कारण एक डार्क शूट लेयर ग्लास पे प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है अगर क्लियर ग्लास पे अब नॉर्मल क्रैकिंग पैटर्न प्रेजेंट है तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें एसेलरेंट का फायर में एसेलरेंट का यूज़ हुआ होगा क्योंकि ये बहुत ही हॉट फायर के वजह से ये अब नॉर्मल क्रैकिंग प्रेजेंट होता है क्लियर ग्लास पे ठीक है तो ग्लास से हम ये, ये पता कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं चिमनी इफेक्ट चिमनी इफ़ेक्ट क्या होता है वो समझते हैं जो फायर है वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर बर्न होती है अगर ये फायर किसी बंद कमरे में हो रही है जहाँ पे रूफ़ प्रेजेंट है तो रूफ़ पे हमें बर्न पैटर्न देखने को मिलता है तो जो बर्न पैटर्न है अगर वो पूरा इंटायरली जो रूफ़ है वो इंटायरली बर्न नहीं है कोई एरिया उसका खाली है तो हम उससे पॉइंट ऑफ ऑरिजिन का डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रूफ है यहाँ पे बर्न पैटर्न है इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे, पे है तो ये जो होल प्रेजेंट है इसके अंडरनीथ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हो सकता है फायर सीन इन्वेस्टिगेटर इसका डिटरमाइन कर सकते हैं ये फायर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जिस जगह पे वो खाली रहता है उसके नीचे पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता है ठीक है नेक्स्ट है कलर ऑफ स्मोक कलर ऑफ स्मोक से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस तरह का मटेरियल बर्न हो रहा है जैसे कि अगर ब्लैक स्मोक है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि टायर बर्न हो रहा होगा अगर ग्रे स्मोक है तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो फायर है अब वो स्लो डाउन हो रहा है अब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बचा बर्न होने को अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने को है नेक्स्ट है कलर ऑफ फ्लेम कलर ऑफ फ्लेम से हम टेम्परेचर का डिटरमाइन कर सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं फ्लेम्स के तो उससे हम टेम्परेचर का डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो बर्न हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल डिफरेंट मेटल के डिफरेंट यूनिक मेल्टिंग पॉइंट होते हैं तो उससे भी हम टेम्परेचर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं दूर से ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ फ़ायर सीन तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है कि क्या रीज़न है फायर का वो पता करना तो अगर हम इसका पता करते हैं तो बेसिकली हम क्राइम सीन का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं हम बतलाते हैं कि वो एक्सीडेंटल केस है या फिर नॉन एक्सीडेंटल केस है या फिर आर्सन का केस है तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक होता है एक्सीडेंटल के केस में और नॉन एक्सीडेंटल के केस में वो देख लेते हैं एक्सीडेंटल के केस में जनरली हीटिंग सिस्टम से प्रॉब्लम आती है जैसे गैस सिलेंडर का फटना स्टोव खुला छूट जाना हीटिंग सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जनरली हम उसे एक्सीडेंटल का केस लेके चलते हैं सेकेंड है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस अगर शॉर्ट सर्किट हो गया शॉर्ट सर्किट के वजह से घर पे आग लगी है तो ये भी एक्सीडेंटल के केस में आ सकता है तीसरा है लाइटनिंग नेचुरल लाइटनिंग जो होती है उससे फॉरेस्ट फायर या फिर किसी भी चीज़ का फायर हो रहा है तो वो भी एक्सीडेंटल नेचर में आता है उसके बाद है चिल्ड्रन प्लेइंग विथ मैचेस अगर कोई बच्चा माचिस्टिक से खेल रहा है और अगर किसी चीज घर के किसी भी ऑब्जेक्ट पे आग लगा दिया किसी कर्टन पे आग लगा दिया किसी कपड़े पे आग लगा दिया तो उससे भी एक्सीडेंटल का केस हो सकता है नेक्स्ट है स्मोकिंग स्मोकिंग करने के बाद जो बर्ड्स पे जो हल्का सा आग बचता है उससे भी कभी कभी आग लगने का चांसेस होता है तो वो भी एक्सीडेंटल नेचर में आता है नॉन एक्सीडेंट नॉन एक्सीडेंटल में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं पहला है ओडर्स अगर गैस कैरेसिन या फिर कोई अदर एसलरेंट का ओडर आ रहा है तो वो हम कह सकते हैं कि ये नॉन एक्सीडेंट का केस है क्योंकि जनरली एसलरेंट का महक तभी आता है जब वहाँ पे एसलरेंट का यूज़ हुआ हो और एसलेंट का यूज़ तभी होता है जब कोई जानबूझ के फायर सीन पे आग लगा रहा है ये भी हो सकता है कि कहीं किसी डब्बे या फिर किसी गैलन पे एसलरेंट रखा हो बट अगर एसलरेंट का महक आ रहा तो हम ये पूरा का पूरा नहीं बोल सकते हैं कि वो नॉन एक्सीडेंटल का केस है वो फायर सीन इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करते हैं तब एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आते हैं दूसरा है अगर कोई पर्सन पर्सनल ऑब्जेक्ट या वैल्यूबल ऑब्जेक्ट क्राइम फायर सीन से रिमूव कर रहा है तो हो सकता है उसमें उसका कोई बैड इंटेंशन हो।, हो सकता है वो इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता हो अपने घर का इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता हो और अपना पर्सनल ऑब्जेक्ट वहाँ से रिमूव कर लिया या फिर किसी को जान से मारना चाहता हो घर पे आग लगा दिया रूम को लॉक कर दिया डोर को ब्लॉक कर दिया और किसी का जान लेना चाहता हो और घर को आग लगा दिया तो उस केस को भी हम नॉन एक्सीडेंटल के केस में लेते हैं चौथा पॉइंट है अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है तो वो भी नॉन एक्सीडेंटल के केस में आता है और हमने ये भी पढ़ा था अगर वी पैटर्न इन्वर्टेड शेप में है तो इससे यह डिटरमाइन हो सकता है कि उसकी जो पॉइंट ऑफ ऑरिजन है वहाँ पर एसेलरेंट का यूज़ हुआ होगा अगर फ्लोर्स चार्ड है तो उससे ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसमें एसेलरेंट का यूज़ हुआ होगा ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं रोल ऑफ फॉरेंसिक लेबोरेट्री तो जो लैब होती है वो डिटरमाइन नहीं करती है कि जो केस है वो आर्सेन का है या फिर नहीं है उसके पास जो कलेक्टेड डेबरेस आता है क्राइम फायर सीन से बस उसका वो आइसोलेशन करती है और फिर आइडेंटिफाई करती है कि उस पर एसलरेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है जो मेन काम है वो फायर सीन इन्वेस्टिगेटर का होता है वही पता करता है वही कंक्लूजन पे आते हैं कि जो फायर सीन था वो आरसन का केस है या फिर आरसन का केस नहीं है तो मेन काम इन्हीं का होता है तो आज हमने आरसन के बारे पढ़ा होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लाइक करें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी फॉरेंसिक साइंस के वीडियोस लाता रहूं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग